दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे yatra.com से फ़्लाइट टिकट कैसे बुक करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। याद रखिए yatra.com से फ़्लाइट टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले तो आप यात्रा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप मोबाइल नंबर वगैरह नाम वगैरह डालकर लॉगिन हो जाइए। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले वाला ऑप्शन है फ़्लाइट, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर देख सकते हो वन वे लिखा हुआ है। अगर आपको सिर्फ जाने की बुक करना है तो आप वन वे पर क्लिक रहने दीजिए। अगर आपको आने जाने की दोनों बुक करना है तो आप राउंड ट्रिप पर क्लिक कीजिए। मैं टिकट बुक करके बता रहा हूं इसलिए मैं वन वे पर क्लिक करूंगा। आप मल्टी सिटी टूर भी कर सकते हो थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। अब यहां पर सबसे पहले तो फ्रॉम में यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है। आपका नज़दीकी जो भी एयरपोर्ट है वहाँ पर आपको टाइप करना है। जैसे मेरा नज़दीकी एयरपोर्ट है लगभग से गोवा, तो मैं गोवा सिलेक्ट कर लूँगा। आपका जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको गोवा से, जैसे मान लीजिए आपको कहाँ जाना है, जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गोवा से जाना है लगभग से बेंगलोर, तो मैं बेंगलोर पर सिलेक्ट कर लूँगा। अब आपका जो भी एयरपोर्ट है नज़दीकी वो डाल लीजिए और आपको कहाँ जाना है उस जगह का एयरपोर्ट का नाम डाल लीजिए। उसके बाद डेट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप मान लीजिए अगर आपको फ़्लाइट टिकट सस्ते दामों में अगर लेना है तो आप दो महीना, डेढ़ महीना, ढाई महीना पहले बुक कीजिए, आपको टिकट सस्ती मिलती है, याद रखें। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं लगभग से फ़रवरी में मिल रही है टिकट 2548 रुपए की, तो हम वो ले लेंगे। लगभग से 20 फ़रवरी का है तो हम उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपको जिस भी डेट पर जाना है आप वो डेट सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर ट्रैवलर में आपको जितने भी बंदे का टिकट बुक करना है, जैसे दो बंदे का, तीन बंदे का, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं सिंगल हूँ तो मैं सिंगल बंदे पर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद कितने बच्चे हैं, दो साल के अंदर कितने बच्चे हैं, वो आप टाइप कर सकते हो। डन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सर्च फ्लाइट पर क्लिक करना है। सर्च फ्लाइट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने अलग अलग फ्लाइट नाम के साथ आ जाएगी, टाइमिंग के साथ आ जाएगी। अब यहाँ पर पहले वाला जो फ्लाइट है एयर एशिया का है, सुबह में लगभग से 7:35 का है, जो मुझे छोड़ देगी गोवा से बेंगलोर 8:40 पर। लगभग से 1:05 ले रही है। उसके नीचे इंडिगो की है जो सुबह में 8:05 की है और उसके नीचे गो फर्स्ट की है, आप देख सकते हो। लगभग से मैं पहले वाली जो है एयर एशिया की उसको क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो इकोनॉमी, प्रीमियम फ्लेक्स और बेस्ट वैल्यू आपको दिख रही है। उसमें आपको जो है प्राइस अलग अलग देखने को मिल रही है। लगभग से कुछ इसमें रिफंडेबल है, कुछ नॉन रिफंडेबल है। आप यहां पर टोटल पढ़ सकते हो। आप जो है सेकंड वाला अगर लोगे प्रीमियम फ्लेक्स वाला तो उसमें आपको सीट सिलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और आप पहले वाला लोगे तो वो चीप फ्लाइट है, उसमें आप अगर कैंसिल वगैरह करते हो फ्लाइट तो आपको टिकट का पैसा रिफंड नहीं मिलता है, याद रखिए। नीचे वाली लास्ट वाली जो है रिफंडेबल है, याद रखिए। आप यहाँ पर टोटल पढ़ सकते हो। मैं जो है सेकंड वाली क्लिक कर लूँगा, प्रीमियम फ्लेक्स वाली। आपको जो भी लेना है आप उस पर क्लिक कीजिए। बुक नाउ पर, बुक नाउ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप बैग पॉलिसी वगैरह, फ्री मील वगैरह का रूल पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग से पूरी डिटेल आ गई है। अब यहाँ पर जो है कैंसलेशन प्रोटेक्शन है 659 रुपये में। अगर आपको लेना है तो आप जो है यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इसे ऑफ रहने दीजिए। आप पूरी डिटेल यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर आपको अलग अलग प्रोमो कोड देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो प्रोमो कोड हमने अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है 199 रुपये पर पर्सन मिल रहा है आपको, प्लस उसमें GST इंक्लूड होगा। अगर आपको लेना है तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो फिर आप ऑफ कर सकते हो। उसके बाद आप यहां पर आप देख सकते हो अगर आप 10 रुपये में डोनेशन देना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो फिर आप उसे अनक्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके सामने डिटेल वगैरह आ गई है, आपको प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको अगर ट्रैवल इंश्योरेंस लेना
है तो आप जो है ऐड कर सकते हो, नहीं तो फिर रिस माई ट्रैवल पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रैवलर का जो भी बंदा जा रहा है उसका टाइटल सेलेक्ट करना है और उसके बाद उस बंदे का नाम डालना है। याद रखिए, नाम जो आपके आधार कार्ड पर है वही नाम डालिए स्पेलिंग वगैरह देखकर। अगर मिस्टेक होती है तो आपको एयरपोर्ट पर जाने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। आप जो भी आईडी कार्ड ले जाओगे उस आईडी कार्ड पे जो सेम नाम है वही नाम आपको डालना है स्पेलिंग देखकर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी। उसके बाद आप पहले सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी आ गया और आपका मोबाइल नंबर आ गया। अगर आप व्हाट्सएप पर टिकट की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेल आपको ऐड करना है तो आप जो है वेज नॉन वेज जो भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा लगभग से वेज। उसके बाद आपको जो है पे नाउ पर फिर से एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने लगभग से पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, अगर आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है तो। नहीं तो फिर आपको अगर सीट सेलेक्ट करना है तो आप सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो ग्रीन कलर में दिख रही है वो सब फ्री सीट है, ब्लू वाली जो है कुछ जो है बिजनेस क्लास है और उसमें कुछ पैड वाली होगी। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लगभग से 9 नंबर की लाइन में फ्री सीट। विंडो सीट लेंगे, विंडो सीट हमें फ्री मिल रही है तो हम विंडो सीट लेंगे। उसके बाद बैग का जो भी है आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ ऐड करना चाहते हो बैग का तो आप ऐड कर सकते हो। आप ऐड ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कीजिए। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको UPI का ऑप्शन मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेपाल, गूगल पे, आपको जिससे भी पेमेंट करना है आप कर सकते हो। जैसे हम गूगल पे पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमारा गूगल पे ओपन हो गया है। हम गूगल पे जैसे ही ओपन करेंगे हमारे सामने टिकट की प्राइस आ जाएगी, हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे। याद रखें आप जब भी टिकट बुक करोगे आपकी जो प्राइस बता रही है उसके बाद आप जब गूगल पे पर जाओगे तो उसमें लगभग से 300 से 350 रुपया आपका जो भी है फीस एक्स्ट्रा लगेगी। याद रखें आप कहीं से भी बुक करो, इशिगो, yatra.com, MacMyTrip, KillerTrip, Flipkart, कहीं से भी बुक करो एक्स्ट्रा फीस लगती है 300 से 350 रुपये अलग अलग फेयर के हिसाब से। अब यहाँ पर हमारे सामने आ गया 2950 रुपया। हम यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद UPI जो भी पासवर्ड है हमारा वो डाल लेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हमारी बैंक से पेमेंट कट जाएगा। पेमेंट कटते ही साथ हमारी टिकट कंफर्म बुक हो जाएगी, मेल पर टिकट की कॉपी आ जाएगी, व्हाट्सएप पर टिकट की कॉपी आ जाएगी और हमारे मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा बुकिंग का। याद रखें इसी तरीके से आप गूगल पे से पेमेंट कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप जो भी है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। कार्ड की डिटेल वगैरह भरने के बाद आप पेमेंट पर क्लिक कीजिए, आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, आप जो है टाइप कर दीजिए, जो भी OTP आएगा, OTP डालने बाद आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आप जैसी ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपकी बैंक से अमाउंट कट जाएगी, आपका टिकट कन्फर्म बुक हो जाएगा। याद रखें दोस्तों आप इसी तरीके से पेमेंट बुक करने के साथ साथ आप जो पेमेंट करने के बाद आप इसी तरीके से जो है अपना फ्लाइट टिकट आसानी फ्री विंडो सीट के साथ साथ बुक कर सकते हो। या फिर अगर आपको अगर नॉन रिफंडेबल वाली बुक करना है तो वो चीप प्राइस में मिलेगी, आपको उसमें सिलेक्ट सीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसी तरीके से आप वो भी बुक कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतने। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बेल आइकॉन जरूर दबाए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए ओके जय हिंद।